नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भोजपुरी रिमझिम में। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आजकल जिस तरीके से एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है तो वो नाम है राइटर अखिलेश कश्यप को लेकर। अखिलेश कश्यप की बात करें तो भोजपुरी के उनके कई सारे दिग्गज सितारे हैं जो उनके गानों को गा चुके हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हो या फिर पावर स्टार पवन सिंह हो, चाहे हम बात करें गुंजन सिंह की या फिर समर सिंह की बात कर लें, चाहे अंतरा सिंह प्रियंका की बात कर लें या फिर अंकुश राजा से लेकर अरविंद अकेला और कल्लू की बात कर लें, तो इन सारे दिग्गजों को जो है अखिलेश कश्यप गाना दे चुके हैं। और उनके गाना देने की वजह ये होती है कि वो गाना ब्लॉकबस्टर होता है और ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में पहुंच जाता है। वैसे अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव को कई सारे गाने दिए हैं, जैसे कि भतीजा तोरा, मायो जिंदाबाद, लहंगा, लखनऊ से लेकर कई सारे ऐसे तमाम गाने हैं जो कि खेसारी लाल यादव ने गाया है और अखिलेश कश्यप उससे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरे हैं। वही अगर हम बात करें पवन सिंह पावर स्टार की, तो पावर स्टार को एक गाना दिए थे जिसका गाने का नाम था महादेव का दीवाना। ये गाना भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था और ये गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वही अगर हम बात करें अंकुश राजा की, तो अंकुश राजा को भी कई सारे गाने दिए हैं। वही अगर हम कल्लू की बात करें तो तुम्हारा दुआरा पर बाजत हुए डीजे, उनका गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। ऐसे तमाम सिंगरों के बड़े सिंगरों को गाने लेकर आते रहते हैं और ऐसे ही अखिलेश कश्यप सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं, लेकिन आजकल उनकी ज़िंदगी में कुछ उलटफेर चल रहा है। उलटफेर इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और निराश इसी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से वो फेसबुक पर कई सारे एक से बढ़कर एक पोस्ट डाल रहे हैं, जिसको लेकर पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि अखिलेश कश्यप की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है। भले ही वो ट्रेंडिंग स्टार को गाने देते हैं, भले ही पावर स्टार को गाने देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो बातें चल रही है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली है और उनको दुख पहुंचाने वाली है। अगर हम बात करें तो कुछ घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था और उनमें लिखा था कि बस आप सबका प्यार मिलता रहे, कश्यप फिर से वही रूप और उसी अंदाज में आएगा कुछ नया लेके। वही अगर हम बात करें तो 14 घंटे पहले ये पोस्ट आया था, उसके बाद से एक घंटा पहले एक और पोस्ट आया है जिसमें वो लिखा हुआ है कि आज से मैं आदिशक्ति कंपनी का कोई सदस्य नहीं हूँ, हाँ आदिशक्ति माँ का भक्त आजीवन रहूँगा जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया। मतलब ये है कि वो आदिशक्ति कंपनी को छोड़ रहे हैं और वजह क्या है ये खुलासा करेंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये पोस्ट कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके अंदर ठेस पहुंची है और अखिलेश कश्यप शायद उसी ठेस की वजह से आदिशक्ति कंपनी को छोड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।